नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा, मेरा स्ट्रीम प्रसाद दे रहे हैं वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी। आप लोगों के बीच में चुनाव पर चर्चा लेकर एक बार फिर से हाजिर हैं और आपको जानकारी देंगे पब्लिक के मुद्दों पर और पब्लिक की क्या राय है चुनावों को लेकर। क्या जनता इस बार मन बनाकर बैठी है, किसे अपना मत देकर जनता जो है सत्ता में लाएगी, ये जानकारी आपको इस चुनाव की चर्चा में देंगे। रोजाना आपके गली मोहल्ले और बाजार से ये चर्चा लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हो रहे हैं, पब्लिक की राय आप लोगों के बीच में रख रहे हैं। तो आप लोग भी अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमारे साथ साझा कर सकते हैं। लेकिन आज हमारे साथ जो पब्लिक जुड़ी हुई है उनसे बातचीत करेंगे और चुनावों की इस चर्चा में आज हमारे साथ जो पब्लिक यहाँ पर है उनसे उनके राय जानेंगे। सबसे पहले आप लोगों का लाइव टाइम स्ट्रीम में स्वागत है, आप सभी का स्वागत करती हूं। और आप अपना नाम बताएं। पहला हमारा सवाल आप लोगों से रहेगा चुनावी चर्चा में, क्या मुद्दे हैं आम जनता के चुनावों को लेकर जो सरकार को सबसे पहले हल करने चाहिए, या फिर कोई भी पार्टी आती है तो वो आपको आश्वासन दे कि सबसे पहले उस मुद्दे को हल किया जाएगा। सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है जी। और क्या चुनावी मुद्दा लगता है आपको? हमारा जो चुनावी मुद्दा है इस बार का, जो सबसे ज्यादा महंगाई है जिससे आम आदमी त्रस्त है। मैं एक दुकानदार हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ कि अभी कोरोना टाइम में हम लोग बुरी तरह से त्रस्त थे, जिसमें सरकार ने क्या किया कि जो छोटे दुकानदारों को जिनकी लिमिटें वगैरह थी, छोटी छोटी सी लिमिटें थी, उनके ऊपर लोन दे दिया। अब 2-3 साल बाद अब वो लोन एकदम में रिकवर करने के लिए प्रेशर आ रहा है, काम धंधा है नहीं, बिल्कुल चौपट है। ऑनलाइन मार्केटिंग ने हमारा जो भी, ये भी गवर्नमेंट का गलत डिसीजन था, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था जो 95% अर्थव्यवस्था है वो छोटे छोटे दुकानदार रेड़ी फड़ी वाले लोग हैं। ऑनलाइन वालों ने आकर उन सबको क्रश कर दिया है। अब जो कोरोना टाइम में लोन बांटे गए थे, लोन पे लोन दिए गए थे, तो वो अब एक विकराल रूप ले चुके हैं, जिससे हमें अपना घर गृहस्थी का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि काम है नहीं और महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है। हमने इससे बढ़िया सरकार ये करती कि जो 3-4 महीने का लॉकडाउन रहा उस टाइम का हमारा ब्याज माफ़ कर देती, एग्जम्प्ट कर देती, तो हमें इजी होता दोबारा से स्टार्ट करना। मगर इतने बड़े बड़े, मैं आश्चर्यचकित हूँ कि इतने बड़े बड़े प्लानर बैठे हुए हैं, उन्होंने इस टाइप की प्लानिंग करी, जबकि सरकार ने कहा कि हमने 20 लाख करोड़ रुपये व्यापारियों को दे चुके हैं, मगर धरातल पर उसका कोई भी वो हमें सफल नहीं दिखाई दिया, जिसके कारण हम लोग बहुत बुरे ढंग से पिट चुके हैं। अब हमें सोचना पड़ रहा है कि इस महंगाई के टाइम में सिलेंडर कैसे ले, 1,100-1,100 रुपये का सिलेंडर हो गया है, बच्चों की फीस है, घर गृहस्थी चलानी मुश्किल हुई थी। मतलब महंगाई की जो मार है वो छोटे व्यापारी पर ज्यादा पड़ रही है, जिस तरह से इनका कहना है, और अभी काफी ज्यादा मुश्किल जो है महंगाई के कारण हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले आपका स्वागत है और अपना नाम बताएं और क्या मुद्दा आपका चुनावी मुद्दा है? मेरा नाम रोशन ठाकुर है और आज का जो हिमाचल प्रदेश में जो मेन मुद्दा है वो तो महंगाई तो है ही, वो सबको दिख रही है आज। पेट्रोल, डीजल और दूसरी जो हमारी डेली यूज की चीज़ें हैं उसके जो दाम है वो दुगने से भी ज़्यादा हो गए। इस गवर्नमेंट ने कहा था कि किसानों की जो आय है उसको हम दुगनी कर देंगे, लेकिन दुगनी तो नहीं हुए रेट, लेकिन जो उसकी रेट थे वो दुगने हो गए, जिससे कि सभी लोगों को बहुत सी दिक्कतें आ रही है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। हिमाचल प्रदेश में अगर आप देखो तो इस टाइम 12-13 हज़ार जो लाख लोग जो है वो बेरोजगार है, वो भी आंकड़ा, वो आंकड़ा है जो कि आज रोजगार कार्यालयों में अभी जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है। और दूसरी चीज़ें ले आप, चाहे उसमें हेल्थ से संबंधित लो, आप देखेंगे कि हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, अगर कोई पेशेंट वहाँ पे आता है तो उसको तुरंत रेफर कर दिया जाता है। और जितने हमारे छोटे छोटे जो कि गांव में PSCs है, छोटे हेल्थ सेंटर हैं, वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ तो बहुत दूर की बात है। तो इस तरह के जो मुद्दे हैं वो बहुत, इससे लोग, बड़ी जनता त्रस्त है। आप देखेंगे कि मैं किसानों की बात करूंगा कि आज की डेट में पेस्टिसाइड के इतने रेट हो गए, इतनी कंपनियां हैं कि लोगों को मुश्किल हो गया अपनी जो, वो चाहे वो टमाटर की खेती करते हो, शिमला मिर्च करते हो, अदरक करते हो, लहसुन करते हो, उसकी लागत से आधी लागत तो उस पर खर्चे की आ जाती है, दवाइयों की आ जाती है। तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश में, खासकर मैं सोलन की बात करूँगा, कसौली की बात करूँगा, यहाँ तो लोग बहुत त्रस्त है। और जिस तरह के वादे करके ये जो भाजपा सरकार है, ये लुभावने वादे करके आई थी, इन्होंने किसी भी प्रकार का अपना वादा पूरा नहीं किया। इन्होंने किसानों को छला है, इन्होंने बेरोजगारों को छला है, इन्होंने जो हमारे घर में गृहिणी है उनको छला है।
तो इस तरीके से ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है जो इनसे खुश है। तो मुझे नहीं लगता कि इस बारी भाजपा यहाँ हिमाचल प्रदेश में आएगी। चलिए इस सवाल पे अगले सवाल में बात करेंगे, तो आप अपना नाम बताइए और क्या आपको लगता है चुनावी मुद्दा है इस बार? मेरा नाम अमरलाल ठाकुर है। सर आप यहाँ पे आ जाइए क्योंकि थोड़ा सा खड़े हो जाते हैं सब जी, ना? तो आप इधर आ जाइए, ग्रुप जैसा बता देंगे। तो चलिए यहाँ पर आप बताइए आपका क्या चुनावी मुद्दा है? हमारा मेन मुद्दा, चुनावी मुद्दा जो है, एक तो महंगाई चरम सीमा पे है और दूसरे हर क्षेत्र में ये सरकार बहुत बुरे ढंग से विफल हो चुकी है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगार की बात की जाए। अब सबसे बड़ी बात है महंगा, इन्होंने जो किसानों को बुरी तरह ध्वस्त कर दिया है, क्योंकि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये प्रदेश छोटा सा, किसानी यहाँ का मुख्य आय का साधन है, जिससे इन्होंने एक मुद्दा बोला था कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। किसानों की आय तो दुगनी हुई नहीं, लेकिन पेस्टिसाइड और बीज, यानी कि जो भी किसानों से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुकी है, वो 4 गुना 5 गुना बढ़ चुकी है। और उसके विपरीत आप देखिए, जो किसानों को जो स्पॉट प्राइस है, किसी भी चीज़ का नहीं मिल रहा है। सर आप बताएं, अपना नाम बताएं और चुनावी मुद्दा बताएं अपना। मेरा नाम नरेश ठाकुर है, मैं एक किसान हूं। हमारा जो मेन मुद्दा है चुनाव का, वो ये है कि जैसे हम लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है सड़कों की, क्योंकि हमारी जो नगद फसलें होती है वो हमें मंडियों तक पहुंचाना होता है। अब जब हमारी सड़कें सही नहीं होएगी, उसमें गड्ढे होएंगे, हमारी जो गाड़ी है जिसमें हम क्रेटे ओपन होती है, उसमें हम टमाटर लोड करते हैं, शिमला मिर्च, कोई भी सब्जी लोड करते हैं, तो गड्ढों में गाड़ियाँ जाके हमारी सब्जी जो है ख़राब हो जाती है और मंडियों में हमारे को अच्छे रेट नहीं मिलते। कांग्रेस सरकार ने जो सड़कें बनाई थी, उसके बाद जैसे बीजेपी सरकार आई, हमने सोचा इससे और अच्छी सड़कें हमारे को मिलेगी, हम अपनी सब्जी को जो है मंडियों तक ले जाएंगे, अच्छे रेट मिलेंगे हमारे को। लेकिन क्या हुआ कि वो सड़कें अच्छी तो क्या बनानी, उन्होंने इतने गड्ढे, मतलब उसमें वो रिपेयर करने तक भी मतलब वो नहीं रहे, सक्षम रहे। और क्या है कि हम लोगों को एक आश थी कि हमारी सॉली कॉन्स्टिट्यूंसी से जो विधायक चुन के आएंगे वो हमारे प्रदेश में मंत्री बनेंगे। तीसरी बार जो है उन्होंने इलेक्शन लड़ा, तो तीसरी बार हम लोगों को बहुत आशा थी उनसे कि मंत्री बनेंगे, और मंत्री बन के जो है कसौली कॉन्स्टिट्यूंसी का हमारा जो है वो एक विकास की जो है मतलब एक आगे बढ़ेगा हमारा, और कसौली कॉन्स्टिट्यूंसी जो है आगे बढ़ेगी कि मंत्री हमारे को मिल रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, आप स्वास्थ्य का देख लो, हमारे जो हॉस्पिटल थे वो डिस्पेंसरों से भी बदतर उनकी हालत हुई, जो हमारे छोटे गांव में जो स्वास्थ्य केंद्र जितने भी थे उसमें कोई वेटनरी में ले लो, चाहे आप स्वास्थ्य केंद्र में ले लो, कोई भी वहां पर हमारे को किसी प्रकार की सुविधा नहीं। और साथ में सड़कों का, पानी का देख लो आप, जो उठाऊ पेयजल योजनाएँ पुरानी थी, 30-30 साल हो गए, 25-25 साल हो गए, उसकी पाइप लाइनें सारी फट चुकी थी। हम इतनी बार इनको बोल चुके हैं कि यार गर्मियों से पहले इन लाइनों को चेंज किया जाए, नई लाइनें डाली जाए, लेकिन इन्होंने क्या किया, उस टाइम सुनते नहीं थे, आज बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। जब आप उन पाइप लाइनों की रिपेयर तक नहीं कर पाएंगे तो आप घोषणाएं कर रहे हैं कि हम बड़ी बड़ी लाइनें यहाँ पर बिछाएंगे, और जिस नदी से वो पानी उठा के जो है हम लोगों को आश्वासन दे रहे हैं, इतनी पाइपें इन्होंने जंगल में फेंक दी है, ये वेस्ट ऑफ मनी, ये हम लोगों का पैसा है, किसानों का पैसा है, गरीबों का पैसा है, जिसका इन्होंने दुरुपयोग किया है। मैं अभी वहाँ पे 4 महीने पहले उस जगह पे गया था जहाँ से उन्होंने पानी उठाने की हमें आश्वासन दिया कि वहाँ से हम पानी देंगे पूरी सॉली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, लेकिन वहाँ पर 1 इंच पानी जो है नीचे नदी में बह रहा है, और आप लाइनें इतनी बड़ी बड़ी बिछा रहे हैं तो पानी कहाँ से लाएंगे, पाइपें बिछा के पानी नहीं मिल जाएगा, क्योंकि पानी अगर देना है तो वहाँ पर कोई अच्छी स्कीम होनी चाहिए। जैसे हमारा सतलुज जो है नालागढ़ पंजेरा होकर निकलती है, तो वहाँ से एक नहर बनाई जाए जो बद्दी होते हुए परमाणु और हरियाणा को मिल जाए, उससे हमारे को जो पानी की सुविधा, वहाँ से पानी उठा के जो है आप कसौली कॉन्स्टिट्यूंसी के आप सोलन को भी दे सकते हैं, उसके साथ आपका सिरमौर को भी दे सकते हैं। हरियाणा वाले जो है पंजाब के साथ लड़ाई कर ले कि सतलुज का पानी हमारे को दिया जाए, हरियाणा का पैसा लगेगा, ज़मीन हमारी होएगी, मुआवजा हमारे को मिलेगा, बेनिफिट हमारे को भी उससे होएगा। क्यों होएगा, क्योंकि जब नहर वहाँ से जाएगी तो कसौली कॉन्स्टिट्यूंसी से होती हुई जाएगी, वहाँ से पानी जो ऊपर को लिफ्ट होएगा उससे हमारी खेतों की सिंचाई होएगी, हम लोगों के पानी की समस्या दूर होएगी, और जो ये बेकार में जो पैसा खर्च कर रहे हैं
ये हम लोगों को जो हमारा पैसा है वो हमारे किसी काम आएगा। तो मैं चुनावी मुद्दा है सड़कें और पानी। जी किसानों को यही चीजें चाहिए, क्योंकि किसान को पानी और सड़क ये दो चीजें होती है, बाकी रोजी रोटी किसान खुद कमाना जानता है। इससे बढ़कर मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। जय हिंद जय भारत। इसके बाद अगला सवाल भी लेंगे आपसे, आप भी अपना नाम बताइए और चुनावी मुद्दा बताइए अपना। नमस्कार जी, और आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम कंवर अजय सिंह है, मैं कोट बेजा से बिलोंग करता हूं। और अगर राष्ट्रीय स्तर की हम बात लें तो बहुत से ऐसे मुद्दे होते जा रहे हैं जो आज जनता को नागवार है, लेकिन उनके सिर पे वो थोपे जा रहे हैं। मैं जैसे कि अगर हम बात करेंगे अग्निवीर, इन्होंने इसको हाई प्रोफाइल ढंग से ऐसा प्रमोट कर दिया है जैसे कि ये देशभक्ति का एक यही एक हमारे पास साधन है, जो कि आप देखिए कि 4 साल में क्या आदमी ट्रेंड हो गया, क्या आदमी मतलब अपने देश के प्रति या वो आर्मी के प्रति या जिस तरह से आज हमारी आर्म्स वगैरह जितनी भी है, हमारे गन्स वगैरह हैं, हमारे ये टैंकर्स वगैरह हैं, उनको समझने में ही इतना टाइम लग जाता है। एक कमांडो को आपको जैसे कि पता ही होगा, एक कमांडो को तैयार करने में कई साल लग जाते हैं। तो ये लोग, ये एक ठगी सी स्कीम इन्होंने हमारे को दे दी है। सेकेंड चीज अगर दूसरी ले ली जाए तो ट्रांसपोर्टेशन से मैं परवानू, हमारी सिटी है तो वो एक प्रदेश का प्रवेश द्वार भी है, और वहां पर ट्रांसपोर्टेशन की इतनी ज्यादा हम लोग जो ये फेस करते हैं कि आप अगर देखो तो आज जितने भी टूल टैक्सेस है आप दिल्ली तक को हम लोग जाते हैं सारे, मतलब वो लोग राइज करते जा रहे हैं, वो पे मतलब उनका जो पैसा है वो मतलब हर टूल में बढ़ता जा रहा है। कोरोना काल का इन लोगों ने सबने बहाना लिया, जैसे ही कोरोना काल खत्म हुआ और इन लोगों ने हर चीज में मतलब जितना भी जो भी रेट्स थे उसमें बूमिंग दे दी, और टैक्सेस का जो लोगों के ऊपर एकदम बर्डन देना शुरू कर दिया। अब जैसे कि मेरे साथ के भाइयों ने बोल रहे थे, कृषि के बारे में बोल रहे थे, आप देखिए कृषि के लिए कांग्रेस जिस टाइम हमारी सत्ता में थी, जब सेंटर में कांग्रेस थी, तो उनका कितना सही निर्णय था कि उनने एक बारी कृषि कार्ड, जो हमारे कृषकों के कृषि कार्ड होते हैं, उनके लोन्स माफ किए थे। अब देखिए, अब पीछे हम जब कोरोना काल से गुजरे तो कोरोना काल में जो गुजरने के टाइम में हमारे ऊपर जिन्होंने कृषि कार्ड्स के लोन लिए हुए थे उनके ऊपर इंटरेस्ट, मतलब सरकार ने ये तक नहीं समझा कि हाँ जी हमारे अगर कृषक, जो कृषक है हमारे, उनका अगर लोन माफ भी कर देते, लोन माफ ना करते लेकिन उसके ऊपर ये लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। थोड़ा बहुत आपको पब्लिक के बारे में भी सोचना चाहिए। आप छोटी सी बात लो, GST की बात ले लो, इन्होंने GST मतलब खाने के ऊपर भी इन्होंने आटा चावल के ऊपर, दूध के ऊपर GST लगा दिया है। अब आप लीजिए जो गरीब आदमी है, मध्यम वर्गीय आदमी है, उसका घर का जो महीने का आटा या चावल लगता है वो हार्डली 15 किलो से ऊपर नहीं लगता या 20 kg से ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन उसके ऊपर तो ये GST लगा रहे हैं। लेकिन आप 25 किलो से ऊपर 26 किलो की थैली लेंगे तो उसके ऊपर GST है। तो ये ऐसी सरकार देश में और प्रदेश में हो गई है जो एक आम जनता के हक की नहीं है। अगर आप, अगर हम जिस तरह से आपको पता ही है इस समय हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन सिर पे हैं, ये चुनावी वर्ष है और हमारा इलेक्शन सिर पे हैं। अब आप ले लो, अगर हमारे स्थानीय मुद्दे अगर आप लें, कसौली है हमारा, सोलन है हमारे प्रदेश में, कसौली विधानसभा क्षेत्र ने हमारे स्वास्थ्य मंत्री को दिया, डॉक्टर राजीव सैजल जी को स्वास्थ्य मंत्री हमारे कसौली ने दिया, और जो कि हमारा एक तरह से सोलन जिले का पूरा प्रतिनिधित्व आज सैजल जी के हाथ में है। लेकिन आप ये चीज देखिए कि परवानू जैसी जगह में वो, वहां पर ESI है, और जो कि आपको पता है कि एक इंडस्ट्रियल एरिया में मतलब लेबर्स के लिए ये ESI बनाई जाती है, वहां पर एक हॉस्पिटल तक नहीं है वहां सराउंडिंग खोल सके। वहां के जो स्थानीय लोग हैं आज वो बहुत ज्यादा इस चीज को फेस कर रहे हैं, उनको अपना इलाज करवाने के लिए धर्मपुर की साइड आना पड़ता है, फिर यहां इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं धर्मपुर अगर वो लोग पहुंचते हैं। अब परवानू में वो कहीं भी हॉस्पिटल खोलने तक में पीछे रह गए हैं। परवानू की अगर मैं बात करूं ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से बात करूं तो वहां मतलब वो ट्रांसपोर्टेशन जो इंडस्ट्रियल हब होने के साथ साथ वहां पर ट्रांसपोर्ट जो गाड़ियां हैं हमारी उनके लिए हमारे पास पार्किंग सुविधा ही नहीं है, और पार्किंग सुविधा नहीं है, सेकंड क्या चीज आ जाती है कि स्वास्थ्य मंत्री जी बहुत से ऐसे हमारे PHCs है जहां पर हमारे पास डेपुटेशन पे डॉक्टर्स होते हैं। हमारे शायद पता नहीं, अगर मैं गलत ना हूं तो पट्टा बरौरी में PHC की बिल्डिंग भवन बने हुए तैयार हो गया है, लेकिन
उसकी ओपनिंग नहीं हो रही है, धर्मपुर में हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है, तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, समस्याएं बहुत ज्यादा हो गई है जी। तो चलिए अगले सवाल की तरफ भी चलते हैं और देखिए कि जिस तरह से भी रोड और स्वास्थ्य सुविधा ये सभी चीजें जो है अभी यहाँ पर महंगाई बड़ा मुद्दा जो है जनता के बीच में बनी हुई है। तो आप लोगों से अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि इस बार आप विधानसभा चुनावों में जो हिमाचल में अभी होने वाले हैं, कुछ ही समय रह गया है, इसमें कौन सी पार्टी को आप देखते हैं आगे, भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी? क्योंकि इस बार दो पार्टियों के अलावा जो है तीसरी पार्टी ने भी हिमाचल में दस्तक दी है और दावा कर रही है कि 68 विधानसभा क्षेत्रों में जो जीत दर्ज करेगी आम आदमी पार्टी। तीनों पार्टियों में से किस पार्टी को आप देख रहे हैं कि सत्ता में आ सकती है? मैडम ऐसा है, हिमाचल प्रदेश में कभी भी तीसरी पार्टी का विकल्प पैदा ही नहीं हुआ। आप इतिहास उठा के देख लो, यहाँ पे या कांग्रेस रहती है या बीजेपी रहती है। उससे पहले आप जाओ तो जब सुखराम जी ने एक पार्टी बनाई थी, नहीं हुई, उसके बाद और भी ऐसे बहुत से लोग आए, लेकिन नहीं होगा। आज भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी ही दो बड़ी पार्टियाँ रहेगी। और इस बारी जिस तरीके से सभी लोग बोल रहे हैं और जो एक आम मूड आप जनता का देख रहे हो, तो इस बारी तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस आएगी और बहुत थम मेजोरिटी से आएगी। जी, आपको लगता है कि कांग्रेस आएगी? जी, आपको क्या लगता है सर, कौन सी पार्टी आएगी इस बार, भाजपा, कांग्रेस और आम? डेफिनेटली कांग्रेस आएगी जी। आम आदमी पार्टी का हिमाचल प्रदेश में कोई अस्तित्व नहीं है, बिल्कुल जीरो है ग्राउंड। तो आम आदमी पार्टी से कोई उम्मीद नहीं? बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। और टक्कर में केवल भाजपा और कांग्रेस ही लग रही है? भाजपा भी टक्कर में नहीं है, बिल्कुल बैकफुट पे है, बिल्कुल बैकफुट पे। अपनी लोगों से की हुई कमिटमेंट की वजह से, अपने जो लोगों को सब्जवाग के सपने दिखाए थे उन्होंने, उस पर कहीं वो फुलफिल नहीं कर पाई, कहीं पे खरी नहीं उतरी। आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है कौन सी, भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी? जो भाजपा को लोगों ने चुना था पिछली बार, उनसे उम्मीदें थी कि वो गरीब जनता के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, मगर इस कोरोना काल में उनका, बोलते हैं बुरे वक्त में किसी का भी पता लगता है, घर के मुखिया का और सरकारों का। कोरोना काल में जिस हिसाब से इस सरकारों ने सिस्टम चलाया और फजूल खर्चियाँ करी, उसे लगता है कि अब इस बार यहाँ पर कांग्रेस को समर्थन देंगे, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो बड़े बड़े पूंजीपतियों के बारे में ना सोचकर आम जनता के बारे में सोचती है। अब लोग वापस आने लगे हैं और इस बार श्योरली मैं कहता हूं कि हिमाचल तो क्या, अब हिमाचल से जैसे 2002 में जब पूरे देश में बीजेपी की सरकार थी और हिमाचल में बीजेपी की थी, मगर यहां से जब कांग्रेस पार्टी रिपीट करी तो पूरे देश में कांग्रेस की लहर चली और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी आई। तो हिमाचल के साथ साथ अब यहीं से शुरुआत होगी और पूरे देश में भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी दोबारा से। आपको क्या लगता है सर, आप बताएं? बिल्कुल, इस बार तो कांग्रेस सरकार हर हाल में आएगी, क्योंकि उन्होंने पहले भी हमें जो स्कीमें दी थी आज वो ठप पड़ी है, चाहे पानी की ले लो, चाहे सड़कों की ले लो, है ना। हमने देखा बहुत बुरा हाल है, हम चाहते हैं कि वो कांग्रेस सरकार आए और दोबारा से जिस तरह की वो सड़कें थी, पानी था, वो हम लोगों को मिलता रहे और हम अपनी रोजी रोटी खुद कमाते रहें। आपको क्या लगता है? मैम, मेरा मानना ये है कि यहाँ पर जो कांग्रेस है ये पूर्ण बहुमत के साथ अपना सरकार बनाएगी, और जैसे कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी बोला है कि जैसे केजरीवाल जी हमारी आप पार्टी के जो बोली जाती है, मेरा तो कहीं ना कहीं मन है अगर केजरीवाल जी मुझसे मिलें तो मैं उनको किन्नौर के तरंडा मोड़ पर खड़े होकर ये बताना चाहता हूँ कि ये कांग्रेस टाइम में निकली हुई सड़कें हैं जिनको आप बड़ी आसानी से यहाँ पर आके मंच पे से और तू तड़क, मतलब ये हमारे हिमाचल की नैतिकता ये नहीं दर्शा, और हमारे यहाँ पर बड़े हमारे यहाँ सामाजिक लोग रहते हैं, और जिस तरह से वो मंच पे बैठ के जयराम जी बीजेपी हमारे मतलब इस समय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री है और वो उनके लिए तू तड़ाक करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे को वो अच्छा नहीं लगता। तो कहीं ना कहीं वो बोलते हैं सरकारी स्कूल्स को हमने बड़ा अपग्रेड कर दिया है दिल्ली में, ठीक है वो किया होगा आपने, हम उसके लिए अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन दूसरी ओर आप देखेंगे कि इनने, फिर मैं आपकी बात वहीं ट्रांसपोर्ट की तरफ ले जाऊंगा, आप दिल्ली में हम लोग अगर हिमाचल की गाड़ी, पंजाब की गाड़ी कोई भी एंटर करेगी, ये लोग 1500 to 5500 ये उधर ग्रीन टैक्स के रूप में, मतलब एक आम एक गाड़ी कौन डालता है आज की डेट में, एक इलिटेटर पर्सन या कोई पढ़ा लिखा नहीं है वो गाड़ी डालता है, तो दिल्ली एंटर करने पे उसको ग्रीन टैक्स के तौर पे ये लोग ऐसे ठगते हैं। सेकंड चीज दारू के लिए आप ले लो, आपने सुना होगा कि पीछे जैसे वहां पर एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री ले लो, तो ये रेवेन्यू जनरेट करने के लिए समाज को आप एक तरफ नशे की ओर धकेल रहे हैं, दूसरी साइड आप एजुकेशन के लिए बोल रहे हैं। आप ले लो जैसे अगर हमारा भाखड़ा बांध ले लो, कांग्रेस टाइम में नेहरू जी की एक बहुत बड़ी उपाधि है जो उन्होंने
हमारे को दी, हिमाचल के साथ साथ दिल्ली तक हमारा बिजली हमारी उधर से जाती है और फ्री करने के लिए वो बोलते हैं। सेकंड बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी अपनी 10 गारंटियां दी है, बीजेपी ने भी 125 यूनिट फ्री की है, कांग्रेस ने भी अब 300 यूनिट फ्री देने की बात कर दी है, तो कहीं ना कहीं फ्री का रिवाज तो आम आदमी पार्टी से ही लिया गया है, तो क्या लगता है आपको ये फ्री का कितना चलेगा हिमाचल प्रदेश? फ्री का ऐसे मेरा जो व्यक्तिगत तौर पर अगर मैं पार्टीबाजी की बात ना करूं तो मुझे नहीं लगता कि हमारा हिमाचल का जितने भी हमारे हिमाचली वासी है वो बहुत ही स्ट्रांग और इस चीज के मामले में ये है कि भाई, और ये हिमाचल के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान की बात अगर लें और पुरानी अगर हम बातें भी लें तो आपने देखा होगा हिंदुस्तान को बहुत लुटेरे आए लूटने, लेकिन हिंदुस्तान आज तक गरीब नहीं कहलाया। और तो वही चीज हिमाचल के ऊपर आ जाती है कि जिस तरह से अगर यहां पर फ्री की बात चल रही है तो जो कांग्रेस है ये बड़ी कैलकुलेटेड और इधर के सीनियर लीडर्स एंड ब्यूरोक्रेट्स के साथ बैठ के इसका डिसीजन लिया जाता है। अभी मेरे से पहले हमारे प्रदेश प्रवक्ता आए थे तो वो हमारे मीटिंग थी तो उस टाइम हमने उनके बारे में सुना था। तो मेरा बोलना कहीं ना कहीं ये चीज है कि फ्री नहीं चाहिए। चलिए देखिए, सभी जनता का कहना है कि फ्री तो नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी चुनाव पे चर्चाएं की है हिमाचल प्रदेश से, जितनी भी चुनाव की चर्चाएं देखने को आपको मिल रही है लाइफ टाइम्स टीवी पर, हिमाचल की जनता फ्री में कुछ नहीं चाहती है, चाहे वो भाजपा फ्री में दे, कांग्रेस फ्री में दे या फिर आम आदमी पार्टी, सब कुछ फ्री देने की बात करे, लेकिन हिमाचल की जनता इतनी सशक्त है और वो कुछ भी फ्री में नहीं चाहती है। भले ही वो चाहती है कि जो महंगाई बढ़ रही है उसे कम कर दिया जाए, लेकिन फ्री में कुछ ना दिया जाए, क्योंकि हिमाचल की जनता सशक्त है, पढ़ी लिखी है और वो फ्री में कुछ नहीं चाहती है। अगला सवाल मेरा ये रहेगा आप लोगों से कि आपके एमएलए क्या लगता है, आप लोगों को इतना विकास और इतना काम किया है कि आपके एमएलए दोबारा जीत कर वापस आएंगे, क्या लगता है आपको? उन्होंने बिल्कुल भी विकास नहीं किया, नहीं किया। तो नहीं लगता आपको जीतेंगे? बिल्कुल नहीं जीतेंगे जी। तो आप बताएं सर, आपको क्या लगता है आपके एमएलए? मैं तो ये कहूंगा 15 साल से विकास के लिए लोगों ने चुना था, पर लोगों ने कसौली की जनता ने देख लिया भी कितना विकास करके किया है उन्होंने, और ये भी देख लिया कि मंत्री होने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया है, तो डेफिनेटली इस बारी तो मुश्किल है। आप क्या कहेंगे सर? अभी हमारे पिछले दिनों सुबाटू में सीएम जयराम ठाकुर जी का एक प्रोग्राम था, तो ये नौबत आ गई है कि मंत्री जी को उसमें मंच से रोना पड़ा, आंखें नम हो गई कि मुझे एक बार और मौका दो। अगर काम किए होते तो रोने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और उसके बाद सोने पे सुहागा देखिए कि हमारे मुख्यमंत्री जी सीएम जयराम ठाकुर जी ने किस लहजे में वहाँ मंच से कहा, हम वो देख रहे थे। आज आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि जनता को ये कहा, धमकी भरे अंदाज में कह लो या किसी भी अंदाज में कह लो, कि अगर हम आपको ये देंगे तो आप हमें क्या दोगे। कितनी शर्म की बात है कि जनता से इस ढंग से वो कह रहे हैं कि अगर हम तुम्हारा विकास कर रहे हैं, हम तुम्हें रहम भीख दे रहे हैं, उसके बाद तुम हमें वोट दो, तो बड़ी शेमफुल बात है ये। तो आप ये देख ली, इस बार हम ये कहेंगे कि अगर काम किया होता तो आते, मगर इस बार काम नहीं किया है। हमारे जो वहाँ के प्रत्याशी हैं श्री विनोद सुल्तानपुरी जी, जो कुछ एक मतों से रह गए थे, उन्होंने राजा साहब के आशीर्वाद से जितना भी काम किया है कसौली में उनके थ्रू करवाया है राजा साहब के साथ उससे, और पूरे प्रदेश में इस बार राजा वीरभद्र सिंह का मॉडल चलेगा। धन्यवाद। चलिए देखते हैं कि जनता की किस तरह से आगे राय है, आपको क्या लगता है सर? हमें बिल्कुल यही लगता है कि जिन्होंने 15 साल में कुछ नहीं किया है और जो किया है वो सब दिख रहा है, तो हम तो चाहते हैं कि इस बार जो है विनोद सुल्तानपुरी यंग लड़का है और उसको मौका मिलना चाहिए काम करने के लिए आगे आए, जिसने अपना इतनी एजुकेशन लेने के बाद भी एक समाज सेवा में लगा है, लोगों के सेवा करने में लगा है, वो चाहता तो अच्छी जॉब ले सकता था, अच्छा मतलब वेतन के वो ले सकता था, लेकिन वो समाज से जुड़ा हुआ और गांव से ज़मीन से जुड़ा हुआ एक किसान है, और हम चाहते हैं कि ऐसे ही ज़मीन से जुड़ा हुआ जो किसान भाई है हमारा वो हम आगे आए और हम लोगों की वो जो भी समस्या है उसको सुने और आगे। आप सभी से मेरा रहेगा, क्योंकि आप लोगों ने मन बदलने की बात की और कहा है कि कांग्रेस को इस बार वोट देंगे, लेकिन क्या आपको लगता है राजा वीरभद्र सिंह के ना रहने के बाद क्या कांग्रेस फिर उसी मजबूती से काम हिमाचल प्रदेश में कर पाएगी? राजा साहब ने हमारे हिमाचल प्रदेश में इतने काम कर चुके हैं, जब यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में जब ये पूर्ण राज्य बना हमारा तो 300 किलोमीटर सड़कें होती थी, आज उन्हीं के कारण डोडरा कवार चंबा ये ऐसे ऐसे इलाके इंटीरियर इलाके जहाँ पे सड़कें पहुँची है, तो राजा साहब वो काम करके गए हैं कि जो अभी उनका सालों साल जनता भूल नहीं पाएगी। और हिमाचल प्रदेश में मैंने जैसे पहले ही कहा है कि राजा वीरभद्र सिंह मॉडल चलेगा और उसके दम पे हम आएंगे जी।
तो देखिए जनता जो है अपने विचार, अपने सभी विचार जो है हमारे साथ साझा कर रही है। रोजाना आप देख रहे हैं कुछ लोगों को चाहिए कि भाजपा दोबारा रिपीट करे, और कुछ लोग चाहते हैं कि अब बॉस थक गए हैं तो बदलाव की जो बात यहाँ पर की जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर एक और व्यक्ति मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे और सारे सवाल एक साथ पूछ लेंगे क्योंकि बाकी लोगों से बातचीत हो गया। सर सबसे पहले अपना नाम बताएं और चुनावी मुद्दा बताएं आपका। मेरा नाम है हरीश शर्मा। क्या चुनावी मुद्दा है इस बार आपका? इस बार चुनावी मुद्दा यह है कि जो महंगाई की मार लोगों के ऊपर पड़ी है जी। जब सिलेंडर 400 रुपए था तो स्मृति ईरानी जी देश के प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेजती थी जी। आज सिलेंडर 1100 रुपए का हो गया है, स्मृति ईरानी चुप है, भाजपा चुप है जी। जो खाने का तेल कांग्रेस सरकार के टाइम में 80 रुपए का लीटर था ब्रांडेड तेल जी। आज की डेट में 240 रुपए तक बिक लिया है। आटा जो है उस टाइम जो है आपको बाजार भाव में 18 रुपए का मिल रहा था जी। आज की डेट में कहीं भी आटा जो है जो जनरल कैटेगरी का आटा है वो 30 रुपए किलो मिल रहा है। इसी टाइम सुपर फाइन चावल जो है जो आपको जो है वो 30 रुपए किलो मिलता था, आज बाजार में 45 रुपए किलो है। महंगाई एक ऐसी चीज़ है जो आम आदमी के जीवन को प्रभावित करती है, हमारी गृहिणियाँ है, हमारा मध्यम वर्गीय समाज है और हमारा जो है मजदूर वर्ग है। ये आज जो है महंगाई की वजह से 2 जून की रोटी के लिए जो है जंग कर रहा है और इसका जवाब जो है वर्तमान सरकार को, केंद्र सरकार को प्लस जयराम सरकार को देना होगा जी। अभी कोरोना काल था, कांग्रेस पार्टी ने जब उनका राज था तो उन्होंने जो है 2009 में किसानों के कर्ज तक माफ़ कर दिए गए थे। अभी कोरोना काल में सबको रिलीफ मिला है लेकिन किसानों के छोटे छोटे कर्ज होते हैं जो कि वो कृषि पे उन्होंने एक लिमिट बनाई होती है उस पे जो है उनको कर्ज तो क्या मुआफ़ होना, उनको जो है वो इंटरेस्ट में भी रिलीफ नहीं दिया गया। ये बोलते हैं हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, किसानों को पता नहीं हम क्या क्या रेवड़ियाँ बांट देंगे। उसी तरह हिमाचल के कर्मचारियों का हाल है, जब केंद्र सरकार ने 11% डीए की किस्त रिलीज़ की तो उस टाइम जो है वो जयराम सरकार ने जो है 6% रिलीज़ की। ये पहली बार हुआ है कर्मचारी इतिहास के अंदर जो डीए केंद्र सरकार ने दिया उसके अनुरूप जो है वो सारे देश की सरकारें जो है एक समान डीए रिलीज़ करती है, परंतु जयराम सरकार जी ने कमाल करके दिखाया कि जो डीए जो है वो केंद्र में जब 11% मिला तो हिमाचल के कर्मचारियों को जो है वो 6% मिला। ये कहाँ ना ये कर्मचारियों की हितैषी सरकार है, ना बागवानों की हितैषी सरकार है, ना किसानों की हितैषी सरकार है, ना मध्यम वर्ग के लोगों की हितों के लिए समर्पित सरकार है, ना मजदूरों के प्रति है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जयराम जी किस आधार पर वोट मांग रहे हैं और बोलते हैं कि रिवाज बदलेंगे, है किस तरह से रिवाज बदलने जा रहे हैं, ये तो उन्हीं के पास होगा इस बात का जवाब। पर मैं इतना जरूर कहता हूं कि ना तुम ही बचोगे ना साथी तुम्हारी, अभी डूबेगी ये किश्ती तो तुम डूबोगे सारे। अरे वाह, देखिए जी यहाँ पर कमाल हो गया जी। यहाँ पर जितनी भी पब्लिक हमारे साथ थी तो सभी लोगों से उनकी राय जानी है। चुनावी मुद्दा क्या है ये आपने देख लिया। इस बार अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में फिर से कहीं ना कहीं आम जनता की जो कमर है वो महंगाई ने तोड़ी है और फिर से कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा जो है इस बार महंगाई रहने वाला है, क्योंकि इससे पहले अगर बात करें उपचुनावों में भी भाजपा को हार का सामना कहीं ना कहीं इस महंगाई के कारण ही करना पड़ा था। तो क्या इस बार भी महंगाई बड़ा मुद्दा रहेगा? और इसी के साथ जनता की राय आपने जानी कि क्या है जनता के चुनावी मुद्दे, क्या जनता की राय है, किसे अपना मत देकर सत्ता में देखना चाहती है जनता। इसी तरह रोजाना हमारे साथ जुड़े चुनाव की चर्चा में पूरे हिमाचल प्रदेश से हमारी टीम आपके गली मोहल्ले और बाजार से आपके बीच में जनता की राय लेकर आ रहे हैं। तो देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा, मेरा स्ट्रीम प्रसाद दिया, वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी ने। धन्यवाद।